देश अनेक राज्य में हीटवेव केर यथावत जोवा मळी रह्यो छे। देश विविध भागों में तापमान पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर राजस्थान झारखंड ओडिशा ने बिहार जेवा केटलाक राज्य गंभीर हीटवेव की चपेट में छे। तर हवामान विभागे तीव्र गर्मी और हीटवेव की चेतवनी आपी छे। तर गुजरात वातावरण में सतत पलटो आ रह्यो छे। गर्मी में अचानक वादळछायुं वातावरण पण जोवा मळ्युं हतुं। त्यारे क्यारेक काळझाळ गर्मी पड़े छे त्यारे हवामान विभागे पण गर्मी ने लईने आगाही करी छे। हवामान विभाग जणાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ સૂકું વાતાવરણ રહેશે અને 2 દિવસ સુધી તાપમાનમાં કોઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં। 2 દિવસ બાદ 1 ડિગ્રી તાપમાનમાં વધારો થશે ત્યારે મોટા ભાગના શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીને પહોંચવાની શક્યતાઓ પણ વર્તાઈ રહી છે। ત્યારે ઉત્તર દિશાથી સૂકા પવન ફૂંકાવાને કારણે તાપમાનમાં વધારો થશે। ત્યારે આજથી 2 દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન વધવાની પણ શક્યતાઓ છે। સુરેન્દ્રનગર રાજકોટ અમરેલીમાં 1 ડિગ્રી તાપમાન વધવાની શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે। ત્યારે હાલ યલો એલર્ટ પણ કોઈ આગાહી નથી। અગલે 5 દિન મે ગુજરાત મે બારિશ હોને કા કોઈ સંભાવના નહીં હે ઓર ટેમ્પરેચર દેખા જાય તો મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર યાની ડે ટેમ્પરેચર મે જ્યાદા ચેન્જીસ होने का कोई संभावना नहीं है। मोस्टली अगले 2 दिन में टेम्परेचर जैसे अभी परसिस्ट हो रहा है ऐसे ही रहने का संभावना है। 2 दिन का बाद 1-8 डिग्री घट सकता है, टेम्परेचर कम हो सकता है। अभी फिलहाल पूरे गुजरात में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है सुरेंद्रनगर और 41.3 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में रिकॉर्ड किया गया 40.5 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 39.5 डिग्री सेल्सियस। अब भी जैसे जैसे टेम्परेचर चल रहा है आज और कल अहमदाबाद में अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस होने का संभावना है, लेकिन 2 दिन का बाद घट के 40 डिग्री हो सकता है। 1-2 डिग्री और दूसरे स्टेशन में भी 1-2 डिग्री घटने का संभावना है। अठार तारीख एटले के वर्ल्ड हेरिटेज दिवस तरीके उजवामां आवे छे, जे अंतर्गत अमदावादना हेरिटेज वॉक में